दर्शकों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। और आज जो मैं खबर आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, वो खबर सुनने के बाद हो सकता है आप भी पागल हो जाएं। क्योंकि कद्दूपुर के टकला नेताजी के बेडरूम के कई पोस्टर पूरे कद्दूपुर के दीवार पे लगे हुए हैं, और उन सभी पोस्टरों में टकला नेताजी के बेडरूम में टकला नेताजी के साथ एक लड़की भी मौजूद है। लेकिन दर्शकों, उन सभी पोस्टरों को मैं टीवी पर आप सभी को नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक प्राइवेसी होता है जिसे हम सार्वजनिक रूप में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप वो पोस्टर देखना चाहते हैं तो हो सकता है कद्दूपुर के दीवारों पर अभी भी वो पोस्टर लगे हुए हों, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि टकला नेताजी के बेडरूम के ये पोस्टर लगवाए किसने है। तो मैं आपको ये बता दूँ, टकला नेताजी ने खुद ये पोस्टर लगवाए हैं, और अपने इस पोस्टर को लगाकर टकला नेताजी ने ये बता दिया है कि वो किस तरह के कार्टून कैरेक्टर है। और अगर आप ये सुनेंगे कि टकला नेताजी ने उन पोस्टरों के ऊपर क्या लिखवाया है, तो आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन पोस्टरों पर टकला नेताजी ने लिखवाया है, एक बार टकला नेताजी को फिर से चुनाव जितवा दीजिए, टकला नेता ऐसे ही पूरे कद्दूपुर का विकास करेगा जैसे वो खुद का कर रहा है। बताइए, क्या दिन आ गया है कद्दूपुर में इलेक्शन जीतने के लिए कद्दूपुर के नेता लोग अब इस तरह के भी काम करेंगे। छी, हम जब पोस्टर देखे थे हमको इतना गुस्सा आया था, हम तो टकला नेता के पोस्टर पर थूक के आए हैं। अब आप ही लोग तय कीजिए, क्या आप लोग ऐसा नेता चाहते हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 2222 पर मैसेज करके बताएं, क्या आप ऐसा नेता चाहते हैं? और जो दर्शक हमें YouTube पर देख रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या कद्दूपुर में टकला नेताजी को वोट देना चाहिए। अरे चुप साला पागल, हम ये सब नहीं किए। साला पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है हमारे बारे में न्यूज़ पर। कहीं पापा, सही में तो आपका कोई पोस्टर नहीं लगवा दिया? अरे कौन साला कद्दूपुर में हमारा इतना गंदा पोस्टर लगाएगा? किसका इतना हिम्मत हो गया? जो कोई भी ऐसा हरकत किया है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं साले को। टकला पापा चलिए ना, चल कर देखते हैं पोस्टर में आखिर है क्या। अरे हाँ, जाके देखना ही पड़ेगा। और अगर सही में कोई ऐसा पोस्टर चिपकाया होगा तो हटाना भी पड़ेगा, वरना पूरा कद्दूपुर में हमारा बेइज्जती हो जाएगा और हम इलेक्शन भी हार जाएंगे। अरे हमारा कमरा में ये लड़की कहाँ से आ गई? हम तो अपना कमरा में अकेले सोते हैं, ये हमारा पलंग पे क्या कर रही है? और हम तो कभी ऐसा फोटो नहीं लिए और ना ही हम इस लड़की को जानते हैं, तो ये फोटो बना कैसे? टकला पापा, आप तो छुपे रुस्तम निकले, मेरे अलावा लड़की को भी अपने कमरे में बुलाते हैं। अरे चुप साले पागल, हम नहीं बुलाए किसी को, ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। हम सिर्फ अपनी टकली से प्यार करते हैं, और ऐसे भी ये घटिया काम हम नहीं करते हैं। और अब दांत निकालना बंद करो, समझे? चलो सारा पोस्टर हटाते हैं। अरे क्या सुन रहे हैं टकला, क्या किए हो तुम? अगर इतना ही खुजली हो रहा था देह में ये सब करने का, तो इलेक्शन जीतने के बाद नहीं कर सकते थे? इलेक्शन से पहले ही सब करके तुम हम लोग की पार्टी का नाम खराब कर रहे हो। इसीलिए पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि हम तुमको पार्टी से निकाल दे। अरे हमका कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? हम पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, और टकला पार्टी हम ही तो बनाए हैं। और भूल गए आप, टकला पार्टी को इतना बड़ा बनाने के लिए हम क्या क्या किए हैं? अगर हम पार्टी से निकल गए ना, तो टकला पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अरे तुम अगर पार्टी में रहोगे ना, तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो गंदा काम तुम किए हो ना, उसके बाद तो हमको तुमसे बात करने में भी शर्म आ रही है। और चलो किए तो किए, लेकिन पूरा कद्दूपुर में प्रचार करने का क्या जरूरत है तुमको? पूरा कद्दूपुर में पोस्टर लगवाए हो। अरे हम नहीं किए ये सब, ये नकली तस्वीर है, कोई हमको फंसा रहा है। अरे तुमको कौन फंसाएगा? अरे हमारा बेइज्जती से किसका फायदा होगा? आपका कल नहीं है, चुसेला करवाया होगा और कौन करवाया होगा? अरे चुसेला नहीं किया है, हम उससे बात किए हैं, वो बोला हम इतना गिरावा हरकत नहीं कर सकते हैं। अरे वो बोला आप मान लिए। अरे अब ज्यादा बात मत करो, अपना इस्तीफा दे दो, वरना पार्टी तुमको निकाल देगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, दे देंगे इस्तीफा, लेकिन बता दे, हम अगर पार्टी से निकल गए ना, तो कद्दूपुर से टकला पार्टी ही निकल जाएगी, कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप लोग, क्योंकि बिना टकला नेता के टकला पार्टी लंगड़ी हो जाएगी। टकला नेता है तो टकला पार्टी है, टकला नेता नहीं है तो टकला पार्टी नहीं है। अरे हाँ, जाओ जाओ जाओ, चलो इस्तीफा दो पहले, चलो। पापा कल कहीं जाना है क्या भाषण देने के लिए हम लोग को? अरे काहे का भाषण, हमको पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या पापा, अब आप मंत्री नहीं रहे? अरे चुप करो, गला का दो और सो जाओ। आज हम बहुत गुस्से में हैं, और ज्यादा गुस्सा हमारा बढ़ गया तो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकाल देंगे। कौन लगा दिया, कौन परेशान कर रहा हमको? और ये क्या लिखा है, ऐसा फोटो खिंचवाने के लिए 555 पे संपर्क करें। अरे
और ये दूसरा पोस्टर पे क्या लिखा है? और ऐसा फोटो खिंचवाएगा साले, गया ना गद्दी। अरे इस साला कौन हरकत किया है, ये उल्टा सीधा हमको परेशान करके रखा है, और इसको कैसे पता चला कि हम इस्तीफा देने वाले हैं? पता लगाना पड़ेगा कौन साला हमारे पीछे पड़ा है। इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन आपको ये बात बता देते हैं, आप हमारे बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। टकला पार्टी टकला नेता के बिना अधूरा है, वो चुनाव कभी नहीं जीत पाएगा। आपको हमारा मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहिए था ना, आप हमारा साथ नहीं दिए, तो अब देखिए टकला नेता क्या करता है। कद्दूपुर में टकला नेता का तांडव होगा, तांडव। अरे ये नया पोस्टर फिर कहाँ से आया? हम तो सारा पोस्टर हटा दिए थे, हमारा घर के बाहर कौन पोस्टर लगा के गया? ये तो अलग पोस्टर है। अरे क्या लिखा है, पार्टी से निकाले गए, अब जानू तुम्हारा ही सहारा है हमको। ये साला कौन पोस्टर लगा रहा है उल्टा सीधा, ये तो कंप्यूटर से बना के लगा रहा है, हम ऐसा कोई फोटो नहीं खिंचवाया है, अभी फाड़ते हैं इस पोस्टर को। काला कद्दू सुन रहे हैं, टकला का बहुत बेइज्जती हो रहा है कद्दूपुर में, इसका हम लोग के अलावा नया दुश्मन कौन बन गया? अरे चाचा मेरे होते हुए ऐसा और कोई कर सकता है क्या? क्या ये सब तुम की हो काला कद्दू? वाह काला कद्दू वाह, क्या काम की हो तुम, हम तभी तो तुमको चुने थे इस काम के लिए, क्योंकि हमको पता था कि तुम्हारे सिवा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। चाचा हम थोड़ा देर बाद आपको कॉल करते हैं, अभी हमको कुछ काम याद आ गया है। अरे ये चाचा को तो हम बोल दिए कि ये सारा काम हम किए हैं, ताकि चाचा हम पर खुश हो जाए कि हम बाहर निकलने के बाद अपना काम करने लगे हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये काम हम नहीं किए तो आखिर किया कौन है? आखिर हमसे बड़ा टकला नेता का दुश्मन कौन पैदा हो गया कद्दूपुर में, जो टकला नेता को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है, और साला ऐसा दाव खेला है कि टकला नेता का पूरा कद्दूपुर में बेइज्जती हो गया और उसका पार्टी उसको निकाल भी दिया। ये स्कीम तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। आखिर कद्दूपुर में ऐसा कौन है पता लगाना पड़ेगा और उससे दोस्ती करना पड़ेगा, काहे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी कद्दूपुर के लोगों को बता देना चाहते हैं कि टकला नेता एक ईमानदार नेता है, कि टकला नेता के साथ बहुत गलत हुआ है, हमारा भोलापन का बहुत फायदा उठाया गया है, हमारे ऊपर गलत सलत आरोप लगाया गया है, हमारा नकली पोस्टर कद्दूपुर में जगह जगह पर लगा के हमको बदनाम करने की कोशिश की गई है, ताकि टकला नेता चुनाव हार जाए, और जिसकी वजह से हमको आज इस्तीफा देना पड़ा। तो आज टकला नेता बता देता है, जो कोई भी ऐसा हरकत किया है वो बचेगा नहीं, क्योंकि अब टकला नेता तांडव करेगा कद्दूपुर में। काम हो जाएगा बॉस। दर्शकों ब्रेकिंग न्यूज, चुसेला जी की बीच रास्ते पर 6 गोली मारकर दर्दनाक हत्या कर दी गई है। चुसेला जी के पार्टी का आरोप है कि चुसेला जी की हत्या के पीछे टकला नेता का हाथ है, क्योंकि टकला नेता जी ने कल ही न्यूज चैनल के माध्यम से कद्दूपुर में संदेश दिया था कि कद्दूपुर में ठंडव होगा, टकला का ठंडव, और शायद उन्होंने अपना ठंडव स्टार्ट कर दिया है। अरे साला हम कुछ नहीं किए, ये कैसे हो गया? इसीलिए सब कहता है कि सोच समझ के बोलो, हम गुस्सा में कल पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिए, अब साला जो जो काम हम नहीं किए सबका आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है, अब क्या होगा? लेकिन जो भी होगा देख लेंगे, कोई भी आके उल्टा सीधा आरोप लगाएगा हम सह लेंगे क्या? तांडव करेंगे कद्दूपुर में, तांडव। तो दोस्तों अगर आप लोग को इसके आगे का भाग देखना है तो माई जॉकअप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये सब हरकत कौन कर रहा है, कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए, देह तोड़ देंगे उसका।